सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ड्रीम इलेवन पे कैसे आप लोग टीम बनाओगे मेरी तरह और आप भी बहुत सारे पैसे को अर्न कर सकते हो। तो आज हम लोग ड्रीम इलेवन पे कबड्डी वीवो प्रो कबड्डी का टीम बनाएंगे और ये वाला मैच जो कि बनाएंगे हम लोग पुनेरी पल्टन वर्सेस यू मुंबा। तो इधर में हम लोग आप मेरे विनिंग जोन प्राइस देख लो, मैंने तमिल थलेबाज पुनेरी पल्टन में लगाया था तो मैंने वहाँ पे 106 रुपीज़ को अर्न किया। और भी एक है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को मेरे पर भरोसा भी हो जाए कि मैंने यहाँ पर दो टीम भी बनाए थे जिसे मैंने जीत हासिल की। और मेरी दूसरी टीम है बेंगलुरु बुल्स वर्सेस हरियाणा एफसी जिसमें भी मैंने 100 रुपीज़ ऑन किया है। तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों से टीम बनाओगे तो आप जरूरी जीत जाओगे। तो आओ इधर हम लोग मुंबई वर्सेस पुनेरी पल्टन की टीम को बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्रिएट टीम पर क्लिक किया, आपको वैसे ही क्रिएट टीम पर आना है। इधर क्रिएट टीम पर क्लिक करो और इधर आपका प्लेयर चूज करने का ऑप्शन इधर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप फजल अतराचली, सुरेंद्र सिंह, रिंकू एच सिंह और सोमवीर, इस चार डिफेंडर को आप चूज कर लो। बिना कुछ देरी के आप चार डिफेंडर को चूज कर लो और रेडर में आ जाओ। इधर मोनू गोयत और आशीष, इस दो रेडर को चूज कर लो। ऑलराउंडर में एम इस्माइल इंदा, बस हो गया, आप नेक्स्ट करो। और इधर में आपका हो गया वाइस कैप्टन और कैप्टन। तो कैप्टन में आप वाइस कैप्टन आप आशीष को बना दो और रिंकू को कैप्टन बना दो। मटर को रुको, यहाँ पर थोड़ी गलती होगी। रिंकू को कैप्टन और आशीष को वॉइस कैप्टन बना दो। तो आप ये वॉइस कैप्टन और कैप्टन अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। आपका मन हो तो आप फजल अतराचली को भी बना सकते हो, लेकिन बहुत लोगों ने फजल अतराचली को बनाया है। तो अगर आप जीतने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, तो आप अपने हिसाब से कैप्टन और वॉइस कैप्टन को बनाएं। और अगर टीम में कोई भी बदलाव होता है तो शाम को लाइनअप के टाइम में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लो जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आपको नए अपडेट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।